और चलिए एक बार फिर से बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। यूपी के लखीमपुर खीरी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली हैं। दरअसल मैदानी इलाकों में जो पहाड़ों से पानी आ रहा है उसने यहाँ बेजुबानों की मुश्किलें जो है बढ़ा दी हैं। आपको हम दिखाते हैं लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में हालात कैसे हैं। देखिए यहाँ बेजुबान कितने परेशान हो रहे हैं। इंसान परेशान है, बेजुबान परेशान है, चारों तरफ है पानी का जोर। इंसान और बेजुबान जाएं किस ओर? देखिए इन तस्वीरों को। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नेपाल की नदियों ने लखीमपुर खीरी में कहर बरपा रखा है। हालात ये हैं कि बाढ़ का पानी हाईवे तक पहुंच गया है। इस साल ये पहला मौका नहीं है, इस इलाके में बाढ़ का ये दूसरा अटैक है और इस बार इंसानों के साथ साथ बेजुबान भी बाढ़ की टारगेट पर हैं। अभी तक तो आम जनमानस ही बाढ़ का कहर झेल रहा था, लेकिन इस बार भारत नेपाल की सीमा से सटे दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में भी जल प्रलय नजर आने लगा है। नेपाल की शारदा, सुहेली और मुहाना नदियों के उफनाने से दुधवा के अधिकांश हिस्से में जल भराव हो गया है। पानी इतना ज्यादा है कि वन्य जीवों को जान बचाने के लिए जंगल के बाहर भागना पड़ रहा है। जंगल के अंदर खाने का संकट हो गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन अलर्ट हो गया है और जंगल क्षेत्र में हाथियों के जरिए पेट्रोलिंग शुरू करा दी है। जहां शाकाहारी वन्य जीवों के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है, तो वहीं बाघ और तेंदुए को भी भोजन तलाशना मुश्किल पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और नदियों का कहर वन्य जीवों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बाढ़ के कारण जल भराव होने से गश्त करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन एक खतरा है जिसकी वजह से गश्त जरूरी है, और वो खतरा है जानवरों के शिकार का। दरअसल बाढ़ को ढाल बनाकर तस्कर बेजुबान जानवरों को निशाना बनाते हैं, और इसी को रोकने के लिए हाथी से गश्त लगाई जा रही है। चारों तरफ पानी लगने के बावजूद देखिए कैसे हाथियों के सहारे बेजुबानों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। बता दें कि इस बार लखीमपुर खीरी में आई बाढ़ की वजह से जिले के तकरीबन 250 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं।